आज हम बनाने वाले हैं वेरी सिंपल एंड इजी टू मेक चीज़ी गार्लिक ब्रेड। उसके लिए हमें चाहिए होंगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स: हाफ टेबल स्पून क्रश्ड एंड फाइनली चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसुन, 1.5 टेबल स्पून बटर, 2 to 3 टेबल स्पून ग्रेटेड चीज़, 1 teaspoon गार्लिक पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए, 1 tablespoon फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर यानी कि धनिया, 1 teaspoon ऑरेगानो हर्ब्स और 1 teaspoon पार्सले हर्ब्स, आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे, मैंने यहाँ पर साइड्स को कट कर लिया, आप चाहे तो बिना कट किए भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बटर में लहसुन और धनिया ऐड कर लेंगे। इसी में हम 1/2 teaspoon गार्लिक पाउडर भी ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करके हम इसे एक साइड में रख देंगे। अब हम चीज़ ले लेंगे। चीज़ में हम ऑरेगानो और पार्सले हर्ब्स ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक साइड में रख देंगे। अब सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइसेस को बटर लगा लेंगे। इसे अच्छे से बटर से कोट कर लेंगे। जेनरस अमाउंट ऑफ बटर हम इस पर अप्लाई करेंगे ताकि हमारा ब्रेड अंदर से सॉफ्ट रहे। फिर हम इस पर चीज़ ऐड कर लेंगे। आपको जितनी चीज़ पसंद है आप उतनी चीज़ ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह हम बाकी के सारे स्लाइसेस रेडी कर लेंगे। अब एक नॉनस्टिक पैन को हम गरम कर लेंगे, उस पर हम हमारे ब्रेड स्लाइसेस रख लेंगे और ब्रेड स्लाइसेस को हम लो हीट पर कवर करके 6 to 7 minutes कुक कर लेंगे। और ये हमारे चीज़ी गार्लिक ब्रेड बिल्कुल रेडी है। इसे मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। इसका बेस थोड़ा क्रंची होता है और ऊपर से ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।